ओ भाई, ओ भाई, वाओ, डैम, बहुत छोटे हैं, कॉम्पैक्ट है, बहुत रगड है। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं नेस्को गोरेगांव। वहां पर एक बहुत जबरदस्त एक्सपो लगा हुआ है, जहां पर बेसिकली मेड इन ताइवान, द बेस्ट मेड इन ताइवान प्रोडक्ट्स का शोकेस हो रहा है, एक्सपो हो रहा है। वहां पर हम जा रहे हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेड इन ताइवान प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपीरियंस करना है। गाइस, मैं छोटा सा यहाँ पर व्लॉग भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी मैं एक्सपीरियंस करवा सकूं। चलो गाइस, आ जाओ फटाफट जाते हैं। तो गाइस, जिसको नहीं पता, बहुत सारी कंपनीज अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेड इन ताइवान प्रोडक्ट शो कर रही है ताइवान एक्सपो 2023। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देखो भाई साहब, इन लोग ने क्या भयंकर पूरा सेट्स बना के रखा है। काफी सारे स्टॉल्स है, अलग अलग सब अपने टेक्नोलॉजी कंपनीज है, सबने अपना अपना जो टेक्नोलॉजी है वो शोकेस कर रखा है। हम यहाँ पर जाते हैं, मेन स्टॉल यहाँ पर है, हम जाके चेकआउट करते हैं कौन कौन से इन लोग ने तगड़े तगड़े प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखा रखा। हम स्टार्ट करेंगे मैम से। हेलो मैम, हाय। हाय, वेलकम, आई एम आकृति। आकृति मैम विल गाइड अस, थोड़ा सा आप बताइए ताइवान एक्सेलेंस के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ताइवान एक्सेलेंस के बारे में। 25 choices brands present over here and they are showcasing over 50 products which are innovative and smart products. Nice. And what is Taiwan Excellence? I'm going to show you now. Come. Shalim. So all the techies, let's use this tech and figure out what is Taiwan Excellence. Sure. Please place your palm there at the first place. Okay. Oh wow. And you see it has started. Okay. And this is what shows Taiwan Excellence is. Who we are is a symbol of excellence. We provide quality assurance, innovative products and global recognition. ताइवान एक्सेलेंस के अंदर ये सारे ब्रांड आते हैं। ताइवान एक्सेलेंस एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है। okay. जो कि एस्टैब्लिश किया गया था बाय इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ताइवान 1993 में। कूल। प्लेस द पाम ऑन द सेकंड प्लेस व्हिच कैन आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। ओके। यस। नाइस। This is how we select the best made in Taiwan from 1000 plus entries. So we receive over 1000 entries every year, and on the basis of the quality, design, R&D and marketing, we select the choicest brands out of all the entries. Nice, got it. Now I understood. Place your hand here, please. That's there. Now this will show you what all industries we have the brands from. Okay. So be it productivity or energy, fashion, recreation and sport, transportation, PC, software, healthcare, precision instrument, home, construction, material and hardware, electronics, communication and so much more. The nice. Latest tech is present here at Taiwan Excellence. ये show करता है कि भाई ताइवान के पास technology तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त है। This is Taiwan Excellence और हमारा logo ही है everyday excellence. तो अगर आप अपनी जिंदगी को रोज excellent बनाना चाहते हो तो Taiwan Excellence के product use करो। Nice. तो guys, और अभी यहाँ पर जो भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं साइबर पावर। संदीप भाई यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये साइबर पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साइबर पावर इनटू टोटल पावर बैकअप सॉल्यूशंस, और हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पावर बैकअप के लिए है। सो हमारे पास आज हम लोग जो डिस्प्ले किया है वो है एंट्री लेवल यूपीएस, जिसे हम ऑफलाइन यूपीएस या लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस बोलते हैं। ये हमारा सबसे एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, विच इज BU600VA, जो डेस्कटॉप के लिए यूज होता है, सीसीटीवी सर्वेलेंस के लिए यूज होता है, बैकअप देता है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का। एंड न्यू प्रोडक्ट जो हमने लास्ट मंथ में ही लॉन्च किया है वो है 2.2 KVA। इसमें एडवांस फीचर ये है कि ये पावर कंजप्शन, जिसमें ग्रीन पावर यूपीएस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो एडवांस फीचर इस प्रोडक्ट में है। तो मतलब ग्रीन पावर से होता क्या? ग्रीन पावर यूपीएस टेक्नोलॉजी वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें जैसे अदर ब्रांड्स में क्या होता है, पावर कंजम्पशन जो होता है वो इस प्रोडक्ट में काफी कम होता है। अच्छा। जैसे बाकी के प्रोडक्ट्स अगर समझो 35 वॉट्स पावर कंज्यूम करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ 7 वॉट्स कंज्यूम करता है और बैटरी चार्ज करता है। सो इससे क्या होता है, इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ड्रेस्टिकली कम होता है। जैसे आप एसी आप खरीदते हो तो 3 स्टार होता है, 5 स्टार होता है, उसमें फर्क क्या होता है? 3 स्टार में क्या होता है कि बिल जो आपको ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आता है। एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है, क्या होता है, एनर्जी बहुत ही लेस कंज्यूम करता है, बट आपको उतना ही एडवांस फीचर देता है। गॉट इट। तो बेसिकली देखो, अगर आपको आपके घर पे या आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कट होती है right. तो आपको पावर बैकअप की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर जैसे मैं पीसी वगैरह चला रहा हूँ, उसमें मैंने लगा लिया तो इनकेस लाइट चली जाती है तो पीसी बंद नहीं होता है, राइट? दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो गाइस, ये है बेसिकली पावर बैकअप। तो गेमिंग सेक्टर के लिए हमने एक नया यूपीएस जो हमने लॉन्च किया हुआ है, That is called OLS 1000 EC.
और इसका मेन फीचर ये है कि ये प्योर साइन वेव है जो आपके गेमिंग पीसी के लिए यूज होता है। सो यू कैन जस्ट लॉग ऑन टू आवर www.cyberpower.com वेबसाइट एंड यू कैन चेक आवर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फॉर ऑल आवर प्रोडक्ट्स। सो गाइस ये थे साइबर पावर के पावर बैकअप। बाकी हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ मूव करते हैं। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट स्टॉल होने वाला है वो होने वाला है 100x। अब ये जो कंपनी है ये वैसे आप लोग इनके बारे में ज्यादा सुनोगे नहीं, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, क्योंकि ये जो डाई कास्टिंग बनाने वाली मशीन होती है ना, एल्यूमिनियम की जो डाइज बनते हैं जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो मशीन लोग बनाते हैं। जो फोर स्पिंडल सिंक्रोनस टाइप का 5-axis वर्टिकल मशीन सेंटर है जिसकी हेल्प से अलग अलग टाइप के डाइज वगैरह आप बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो देखो यहाँ पर दिखा रहा है कैसे कैसे टाइप का आप यहाँ पर डाइज वगैरह बना सकते हो, कैसा एल्यूमिनियम को मशीन कट करता है ना, CNC मशीन होती है उसका एडवांस, जिससे आप लोग एकदम तगड़े तगड़े डाइज और मशीन एल्यूमिनियम चीजें जो पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा पतली पतले एकदम बोलते ना जैसे पिस्टन हो गया कार का, वो सारी चीजें लोग बनाते हैं। ओके सो गाइस अब हम अपने थर्ड स्टॉल पे आ गए हैं। ये स्टॉल है iBase का। हेलो सर, मेरा नाम अमूल कस्तूरी है। हम जो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं iBase, ये प्रोडक्ट है उसका। एक्चुअली iBase एक मीडिया प्लेयर है जिसके विंडोज वगैरह, लिनक्स वगैरह, उबंटू वगैरह इसमें इंस्टॉल है। तो इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो आउटपुट होता है, मोस्ट ऑफ द कितना मीडिया प्लेयर में ना आउटपुट एक या दो होते हैं, लेकिन इसका मल्टीपल 3, 4, 16 देख पाओगे तो HDMI आउटपुट, जो आउटपुट बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द आपको डिस्प्ले जो भी होता है उसका आउटपुट HDMI के थ्रू होता है। आपने घर में भी टीवी देखा होगा, उसका आउटपुट क्या होता है, HDMI होता है, सेटअप बॉक्स के थ्रू जाता है। ये मीडिया प्लेयर इसका बेनिफिट ये है कि हर एक ना 4K डिस्प्ले करता है। 4K मतलब हाई रेजोल्यूशन, जो आपका नॉर्मली आपके HD देखता है लेकिन 4K आपका रेजोल्यूशन भी क्लियर आ जाता है। मेन थिंग है मल्टीपल, इसका यूज मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर वेदर वगैरह का पानी वानी आता है वेरी रगड़ा है एक्चुअली इसका। और एक बेनिफिट है स्मॉल साइज में आता है, मोस्ट ऑफ द आपका मीटर पर दिख जाओगे तो बड़ा साइज में डेस्कटॉप साइज इतना रहता है, लेकिन आप ये आसानी से डिस्प्ले के बैक साइड पे हाइड कर सकते हो। सो गाइस बेसिकली जो डिजिटल एड्स वगैरह के लिए आप लोग डिस्प्लेस देखते हो बड़े बड़े रोड पे, अगर आपने देखा होगा बड़ा सा बिलबोर्ड है लेकिन डिजिटल है, उधर पे जो भी कॉन्टेंट चलता है उसको पावर करते हैं ये सारे प्रोडक्ट। बहुत छोटे हैं, कॉम्पैक्ट है, बहुत रगड है, बहुत जबरदस्त लगा मेरे को। या गाइस ये था iBase, इनका बहुत जबरदस्त डिजिटल साइनेज प्लेयर है। सो गाइस अब हम यहाँ पर आए हुए हैं अपने फोर्थ स्टॉल की तरफ जो है मीनवेल, एंड यहाँ पर सर हमको थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताएंगे। मेरा नाम सुनील बोन्सले। मीनवेल एक स्टैंडर्ड पावर सप्लाई मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन सेगमेंट है ये इंडस्ट्रियल, मेडिकल, रेलवेज, टेलीकॉम एंड IoT एंड LED ड्राइविंग। तो ये सब सेक्शन में हमारा प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है। दिस अ न्यू लॉन्च, वन इज द BIC 2200 एंड देन HEP 2300। सो BIC 2200 ये एक प्रोडक्ट विच है बाई डायरेक्शनल प्रोडक्ट। तो ये DC अगर देंगे तो AC में कन्वर्ट करता है, AC देंगे तो DC में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज एक्चुअली यूज, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है इनका मेन यूज केस क्या है? तो मैं जैसे बोल रहा हूँ हमारे प्रोडक्ट्स सब सेगमेंट में यूज होता है। okay. जहाँ पर भी पावर की जरूरत होती है हमारे पास वैसे सॉल्यूशन है। कोई भी चीज को वर्क होने के लिए पावर दिया जाता है। सो दिस इज पर्टिकुलर AC DC पावर सप्लाई, द कन्वर्टर्स मेनली। ओके कूल। सो बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको अगर अलग अलग टाइप के पावर की रिक्वायरमेंट है तो आपके ये प्रोडक्ट्स उनको पावर प्रोवाइड करते हैं। जबरदस्त ताइवानीज कल्चर यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट देखने को मिलेगा कॉम्पल 5G की तरफ से। तो गाइस हमको लाइव डेमो मिलने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर शूटिंग द वीडियो। तो गाइस बेसिकली ही सेइंग कि अगर आपको नॉर्मल कुछ काम करना है देन दिस इज सफिशिएंट, बट अगर आपको कुछ हाई परफॉर्मेंस काम करना है देन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा विद द PC टू गेट द हायर ग्राफिक परफॉर्मेंस। तो गाइस आई एम ट्राइंग इट। ओ भाई वाओ डैम। So guys, यहाँ पर मुझे ना बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, लाइक रास्ता दिख रहा है। So guys, देखो कुछ इस तरह का दिखता है। Wow. So real life में ये नहीं है। And now, so real life and virtual life both are mixed in here. That is why it is called mixed reality, right? Yeah. So basically, सर कह रहे हैं कि इसके अंदर 5G की जरूरत है जिसकी हेल्प से सारे जो मैप्स वगैरह है, जो वहाँ पर एसेट्स है, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में रेंडर होंगे एंड आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में देखने को मिलेगी। और इसके अंदर 5G है, इसके वजह से ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में रेंडर हो पा रही है। सो गाइस यहीं से हमने शुरू किया था, यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अब बस इतना ही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको मजा आया होगा जितना मजा मुझे इसको एक्सप्लोर करने में आया। बाकी आप लोग ताइवान एक्सेलेंस के सारे प्रोडक्ट्स वेबसाइट नीचे लिंक जो है दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी इतना था, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।